जैसे कि आप देख रहे हैं, दो पहाड़ों के बीच में है। एक पहाड़ तो ये है इस साइड में, और सामने भी पहाड़ है, इसके अलावा इस साइड में भी पहाड़ है। तो ये जो चिड़ियाघर है, या आप बागे परिंदेगान कहें फारसी में, ये दोनों तीनों पहाड़ों के बीच में है। यानी राइट साइड में भी पहाड़ है, लेफ्ट साइड में भी पहाड़ है, और आगे भी पहाड़ है, पीछे का भी, हाँ पीछे भी पहाड़ है। यानी चारों तरफ पहाड़ हैं, पहाड़ों के बीच में इसको बनाया गया है। और 3,800 परिंदे यहाँ पर हैं जिनकी देखभाल की जा रही है। कितनी नस्लें हैं वो मैंने नहीं पढ़ा, कितनी नस्लें हैं, नस्ल भी बहुत ज़्यादा हैं शायद, क्योंकि देखने से पता चल रहा है बहुत सारी नस्लें हैं। सिर्फ परिंदे हैं यहाँ पर, कोई ऐसा जानवर नहीं है जो किसी दूसरे जानवर को खाने वाला हो। सिर्फ परिंदे हैं उड़ने वाले और यहाँ ज़मीन पर रहने वाले। तो ये भाई अपने भारत का मोर है, ये वाइट मोर है। कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ओ ये वाइट मोर है, एक ये मोर है। तो मोर कहीं कोई भी है भारत का, ये मोर तो, और तो कहीं होते नहीं है, भारत पाकिस्तान। ये भाई बना रखा है, प्लास्टिक का है, लकड़ी का बना रखा है। ये एक लड़का है, घूमने के लिए आया था और किसी ने जादू से इसको लकड़ी का बना दिया। ये आप देख सकते हैं मोर को लोहे का बनाया हुआ है इन लोगों ने। इससे ज़्यादा जूम भी नहीं हो सकता है। कुछ खा रहा है ये, इसको खाने के लिए चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पर शायद। चलें चलते हैं, देखते हैं। इधर ये बेचारे चिल्ला रहे हैं यहाँ पर, एक साहब वो बैठे हैं। चलें देखते हैं इसको नज़दीक से। भाग रहा है, छिप रहा है मुझसे। कहाँ छिप रहे हो भाई? तो भाई मैं हिंदुस्तानी हूँ, कहाँ जा रहा है? भारतीय हूँ मैं भी, हिंदुस्तान का हूँ। हाँ हाँ सुन, हेलो, मैं हिंदुस्तान से आया हूँ आपसे मिलने के लिए, मुलाकात तो करो। चलें, नहीं मिल रहे तो भाई, लो एक और आ गए साहब। आर यू इंडियन? क्या आप हिंदुस्तानी हैं? चले भाई, वो खुद ही नहीं मिलना चाह रहा तो मैं क्या करूं, ज़बरदस्ती तो मिल नहीं सकता, बेज़बान है, बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता अपनी मुश्किलों को। तो भाई ये बड़ा पिंजरा है, और इसमें ये बाज़, चील चील हैं भाई, पक्का कंफर्म सा लग रहा है अब मुझे, इसमें चील ही हैं, देख सकते हैं आप, पिंजरे में कैद हैं बेचारे, क्या करें। तो भाई यहाँ पर तो लग रहा है बाघ सा, ठीक है, वहाँ से शुरू हो रहा है, देखें आप, वहाँ से शुरू हो रहा है, और ये पूरा का पूरा बाग इन्होंने बनाया हुआ है, जैतून का बाग है वहाँ तक। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये जैतून के पेड़ हैं, ये इन पे जैतून आता है। ये सारा जो आप जंगल देखे हैं ऊपर, बीच में जो पेड़ हैं वो जैतून के पेड़ हैं सारे बीच में। वैसे मैं बहुत सारी जगह शायद भूल गया, छोड़ दिया। ये क्या है? इतनी बड़ी चोंच है इसकी,
दो रंग की, एक थोड़ी सी ऑरेंज टाइप में है, दूसरी वाइट एंड ब्लैक है। इतना बड़ा परिंदा है ये, पंछी हिंदी में कह देंगे इसको। यहाँ पर नाम लिखा है इसका डेलमेशन पेलिकन। अकेला है यहाँ पर, बस खुजा रहा है, अपने खुजली लग रही है बेचारे को। इस तरह के पिंजरे बनाए हुए हैं जिनमें पक्षी हैं। यही पिंजरे छोटे हैं बड़े हैं, बहुत सारी जगह छूट गई हैं, मुझे पता नहीं चल रहा है कहाँ से कहाँ है। तो जहाँ तक भी जा पा रहा हूँ वो आपको दिखा रहा हूँ। इसको फारसी में शुतुरमुर्ग कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। यहाँ पर साफ दिखाई दे रहे हैं शुतुरमुर्ग, देखें तो ये कुछ इस तरह का खाना खाने का इनकी जगह है, जैसे भैंसों वगैरह के लिए हम लोग डालते हैं ना, एक बनाया हुआ होता है पत्थर का, लेकिन यहाँ पे लोहे का बना हुआ है। तो ये शुतुरमुर्ग है, खा रहा है अपना खाना। ये बच्ची डर रही थी शुतुरमुर्ग को देखने के लिए, नज़दीक आने के लिए डर रही थी कभी काट ना ले। मैंने कहा इससे कि आ जाएं आप ऊपर, मैं यहाँ पर हूँ। खूबी इसमें तो चाहिए। तो भाई घूमते घूमते मैंने एक दुकान देखी यहाँ पर, तो सोचा चाय ले लेते हैं। कुछ इस तरह की दुकान है, पानी रखा हुआ है लोगों के लिए कि यहाँ पर आएँ और कोल्ड ड्रिंक पानी चाय वगैरह जो भी लेना है ले सकते हैं। तो एक चाय मुझे मिल रही है 12,000 तुमान की, 12×24 तकरीबन 15 रुपया होगा शायद। तो ले लेता हूँ, पीते हैं बैठ के एक जगह। पैसे दे देता हूँ 12,000 तुमान। इस तरह के कार्ड होते हैं यहाँ पर, ये यहाँ का बैंक के मिल लिए गवर्नमेंट। ये चाय स्पेशल CO4 बिस्तोहाफ्त होगा। इसमें चाहिए, इसमें चाहिए, मैं फरामोश कर दा नबात, इसे यहाँ पर कहते हैं नबात, लकड़ी में लगी होती है। चीनी का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं यहाँ पर, चीनी भी करते हैं लेकिन कंद और इसका इस्तेमाल करते हैं चाय वगैरह पीने में। मिश्री जिसको हम लोग कहते हैं मिश्री। तो चाय ले ली है मैंने, एक जगह बैठकर चाय पीते हैं। कहाँ बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, वो टेबल है वहाँ बैठ जाते, या यहाँ कुर्सी पे बैठ जाते हैं। चलें यहाँ पर कुर्सी लगी है, बैठ जाते हैं फिर चाय पीते हैं। काफ़ी देर से चल रहा था, मैं भी थक गया हूँ, चाय पी लेते हैं। चाय पीने के बाद घर की तरफ निकल जाएंगे, ठीक है ना। दूध वाली चाय तो होती नहीं है यहाँ पर, काली चाय होती है। मैं इसको फेंक आता हूँ, ठीक है, और मेरा कैमरा मुझे ट्रैक करता है नहीं करता देखते हैं। घूम 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 बेटा, घूम 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 बेटा, घूम घूम, बस अधूरा घूमा है, पूरा नहीं घूम पाया कैमरा, क्योंकि मैंने दूसरे एंगल से रखा हुआ था। टेस्ट बहुत अच्छा है चाय का, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है। पता नहीं कौन सी चाय थी, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं, तबीयत ख़राब चल रही थी, उसके बाद जब सही हो गई तो मैंने सोचा वीडियो बनाऊं, लेकिन बना नहीं पाया। काशान एक जगह है यहाँ पर ईरान में, बहुत खूबसूरत है जगह, पहाड़ हैं, पहाड़ हैं, पहाड़ियों के बीच में हैं। वहाँ जाने के लिए मैं सोच रहा था, लेकिन वहाँ बाढ़ आ गई। कल जाने वाला था मैं वहाँ पर, नहीं सॉरी, आज ही जाने वाला था मैं वहाँ पर। कल प्लान बनाया था, एक हफ़्ते से वैसे प्लान बना हुआ था कि मुझे आज काशान जाना है, लेकिन वहाँ पर कल बाढ़ आ गई, बारिश हो रही थी कुछ दिन से। तो भाई चलो चाय पीते पीते मैं कह देता हूँ आपसे। वैसे मैं कहता वहता नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता पता नहीं क्यों, लेकिन कहना पड़ेगा, बगैर कहे आप लोग मानोगे नहीं। जो लोग आ चुके हैं, सब्सक्राइब कर चुके हैं, वो लोग तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें, क्योंकि आपके लाइक शेयर कमेंट करने से YouTube हमारी वीडियोस को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएगा, ठीक है ना। जब ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जाएगी तो जल्दी जल्दी ये चैनल ग्रो होगा, मोनेटाइज होगा,
जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं, वो लोग सब्सक्राइब करें। अगर अच्छी नहीं लगती है और कोई पार्ट, कोई तरीका आपको चेंज करवाना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं उस तरह से आपको वीडियो बनाकर दिखाऊं ताकि आपको अच्छे लगे। असल में हदफ वीडियो दिखाना या बनाना नहीं है, हदफ जो है हमारा इस चैनल का, जो हमारा गोल है या कहें आप एम है, वो ये है कि हम लोगों की मदद करें। तो इस चैनल के ज़रिए जो भी इनकम आने वाली है, जो भी अमाउंट हमारे पास आने वाला है, उसका 50% यार बहुत होता है। जब आप सब लोग मेहनत करेंगे तो मिलियनों सब्सक्राइबर हो सकते हैं, ठीक है ना। जब मिलियनों सब्सक्राइबर हो सकते हैं तो लाखों रुपया आ सकता है। जब लाखों रुपया आएगा तो 10-10 लाख, 5-5 लाख जो है, हम इस रकम से, इस पैसे से, जो 5-5 लाख रुपया, 1-1 लाख भी अगर शुरू हो रहा है, 50,000 से भी अगर शुरू हो रहा है, तो बहुत लोगों को मदद मिलेगी, ठीक है ना। कितना अच्छा लगेगा जब आप फ़ख्र से कहेंगे कि जिस चैनल को हमने सब्सक्राइब किया है, आज उस चैनल के ज़रिए, यानी उस चैनल पर आने वाले पैसे के ज़रिए, हिंदुस्तान में लोगों की जो बीमारियां हैं, आँखों से नहीं देख पा रहे हैं लेकिन देख सकते हैं, उनकी बिनाई, उनकी रोशनी वापस आ गई है हम लोगों के सपोर्ट की वजह से, तो आपको भी अच्छा लगेगा। कितने सारे ऐसे बीमार होंगे जो अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं, अपनी बहन बेटियों की शादी नहीं करा पा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको भी अच्छा लगेगा जब आप देखेंगे वीडियोस में कि हमारे सब्सक्राइब किए हुए चैनल के ज़रिए से हम लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है ये 50% फिक्स है कि हम सिर्फ 50% ही खर्च करने वाले, नहीं, मेरा मकसद ही यही है, ठीक है ना। मैं काम ही यही करने वाला हूँ शुरू, तो इसको हम बढ़ाएंगे आगे जाके, हम पूरा बेनिफिट जो इस चैनल का होगा वो भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं जब पैसा आने लगता है, ठीक है ना। तो मदद करें आप लोग, सब्सक्राइब करें, और वीडियो जो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने भाइयों, बहनों और फैमिली तक ज़रूर पहुँचाएँ, ग्रुप्स वगैरह में डालें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें, दोस्तों से कहें, बताएं इस चैनल के बारे में। तो देखिए, शुरुआत सबकी ऐसी ही होती है, पैसा वैसा कुछ नहीं होता है, तो आप लोग कोशिश करें, लोगों तक दूर दूर तक पहुंचाने की कोशिश करें। जब आप कोशिश करेंगे तो YouTube खुद अपने एल्गोरिदम के ज़रिए से इसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि कंटेंट हमारा ख़राब नहीं है, कंटेंट हमारा असल व्लॉगिंग नहीं है, कंटेंट हमारा असल मदद करना है, ये व्लॉगिंग एक बहाना है, ठीक है ना। जब हम हमारे पास पैसा आने लगेगा तो हम फिर जाएंगे लोगों के पास, ढूंढेंगे, तलाश करेंगे। वो कैसे तलाश करेंगे उसका भी प्लान मैंने बनाया हुआ है कि कैसे हम लोग मदद करेंगे, तो उसकी भी टेंशन नहीं है बिल्कुल भी। बहुत ही अच्छा और तरीका, अच्छा तरीका है, अच्छा रास्ता है, जिसके ज़रिए से हम अपने पैसे को वहाँ तक पहुँचाएँगे। सिर्फ पहुँचाएँगे नहीं, उनकी हॉस्पिटल में एडमिट वगैरह सारा काम कराकर जब भी हम वहाँ से निकलेंगे, शादियाँ हैं तो शादी कराने के बाद जब बिल्कुल फिक्स ख़त्म हो जाएगा शादी का प्रोग्राम, तब वहाँ से हम रिटर्न होंगे। पूरी ज़िम्मेदारी के साथ ये काम किया जाएगा। भले ही मैं अभी अकेला हूँ, लेकिन आइंदा धीरे धीरे कुछ लोग जुड़ेंगे, ज़रूर जुड़ेंगे, जब देखेंगे कि ये चैनल सच बोल रहा है और सच के साथ है और हकीकत में ये काम सही काम कर रहा है और कर रहा है, तो लोग खुद ब खुद जुड़ने शुरू हो जाएंगे। आप शुरुआत करें, जो देख रहे हैं धीरे धीरे सब जुड़ने शुरू हो जाएंगे। तो चलें, चाय ख़त्म हो गई है, मैं भी चलता हूँ घर की तरफ को। ये सीधी तरफ से है, ये उल्टी तरफ से था, ओहो छिपा लिया। Nice to meet you. I am Indian. And you? You are Indian, ठीक है? आप भी इंडियन हो, है कि नहीं? तो भाई, जगह बहुत खूबसूरत है, जैसे कि आप देख रहे हैं पहाड़ों के बीच में ये बना हुआ है सारा, बहुत ही खूबसूरत जगह पर है, इसको तो आप मानना ही पड़ेगा। ये बात अलग है, पंछी पक्षी जो हैं यहाँ हैं, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ के नहीं हैं, लेकिन 3,800 पक्षी यहाँ पर हैं, लेकिन जगह की तो तारीफ़ करने लायक है, जगह तो बहुत ही खूबसूरत है।
पहाड़ों के बीच में है भाई। चले दोस्तों, मैं यहाँ से आपको दिखाने वाला हूँ ये कितना बड़ा है, कितनी दूर में फैला हुआ है और पहाड़ कैसे हैं इसके साइडों में। मैं बहुत ऊंचाई पर आ चुका हूँ यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं। यो तो ये पहाड़ हैं, यानी कुछ इस तरह से पहाड़ हैं। एक साइड में ये पहाड़ है, फिर वहाँ पीछे पहाड़ है, सही है। वो चारों तरफ इसके इधर भी पहाड़ हैं, वो शहर आपको दिखाई दे रहा होगा पहाड़ों के पीछे। और ये यहाँ से देख सकते हैं, सारा का सारा फैला हुआ है, बाग ही है। ऊपर से अगर देखें तो बाग ही दिखाई दे रहा है वाकई, तो सही कहा है बाग़ परिंदेगान। आगे भी है, इधर पेड़ आ रहे हैं तो नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो भाई कुछ इस तरह का बाग़ परिंदेगान है। तो अब चलते हैं घर की तरफ और एग्ज़िट गेट की तरफ चलते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी? यकीनन अच्छी लगी होगी और अच्छी लगनी चाहिए। फिर मैं कहने चाह रहा हूँ कि व्लॉगिंग हदफ़ नहीं है, मदद करना हदफ़ है, ठीक है ना। जो तो उसको आप नज़र में रखते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलें चलते हैं नीचे की तरफ। ओ भाई मैं पूरा नहीं घूमा हूँ, यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं पूरा नहीं घूम सका, सही है। कोई बात नहीं, घूम फिर के वही पंछी हैं सब। पीपल के से पत्ते लग रहे हैं, देख रहे हैं आप, पीपल का सा पत्ता है, ये पीपल ही है, बिल्कुल भी नहीं पता, मुझे आइडिया नहीं है, लगने में तो पीपल का सा पत्ता है। तो भाई हम आ गए हैं एग्ज़िट पे, ये एग्ज़िट है, देख रहे हैं आप, मुझे वहाँ पहुँचना है। कोहे खिज़र, ये वाला जो पहाड़ देख रहे हैं आप, यहाँ पर गए थे हम उस दिन। वो जो कोहे खिज़र है उसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, कोहे खिज़र क्या है और वहाँ पर वो कितने हज़ार साल पुराना है, वहाँ पर जो जगह है और वो किस वजह से कोहे खिज़र कहा जाता है उसको, वो सब मैं वहाँ पर बता चुका हूँ। सेकंड वीडियो में दो वीडियो मैंने, दो पार्ट मैंने बनाए हैं वहाँ के लिए, लेकिन एक पार्ट में जो है मोबाइल मार्केट है, दूसरे पार्ट में कोहे खिज़र है। उस पहले वाले पार्ट में थोड़ा सा हिस्सा कोहे खिज़र का है, दूसरा वाला जो पार्ट है वो पूरा का पूरा कोहे खिज़र के बारे में। तो आप उसकी वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ज़रूर चेकआउट कीजिए। आप देख सकते हैं भाई, ईरान जो है साफ़ सफाई का बहुत ख्याल रखता है, सब जगह अपना भारत दिखाई दे रहा है। जहाँ भी जा रहा हूँ सिर्फ अपने मोर ही मोर दिखाई दे रहे हैं, इतने ज़्यादा मोर हैं यहाँ पर। तो एग्ज़िट हम आ चुके हैं। तो ये था बाग़ परिंदेगान, चिड़ियाघर, घर नहीं कहेंगे यार, चिड़ियाघर क्यों कहेंगे, घर थोड़ी है, लेकिन कह सकते हैं क्योंकि चिड़ियों के, पंछियों के रहने की एक जगह, जगह जहाँ वो रहते हैं, घर, सही है, सही कह सकते हैं, चिड़ियाघर। लेकिन ये बाग़ परिंदेगान यहाँ पर रखा है इन लोगों ने। अगर चिड़ियाघर को हम फारसी में कहेंगे तो कहेंगे खाने परिंदेगान, यानी खाने परिंदेगान, खाने यानी घर, परिंदेगान यानी बहुत सारे परिंदे, तो ऐसा कहेंगे अगर चिड़ियाघर को फारसी में कहेंगे। वैसे ये फारसी में चिड़ियाघर नहीं कहते हैं, कहते हैं बाग़ परिंदेगान, यानी चिड़ियों की रहने का बाग। तो भाई बाहर से बाग़ परिंदेगान कुछ इस तरह का दिखता है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है बाग़ परिंदेगान, फ्रंट कुछ इसका ऐसा बना हुआ है, इधर कुछ कुर्सियां लगी हुई हैं। हाँ, यहाँ पर रेस्टोरेंट है, अगर आपको भूख लगे तो यहाँ पर खाना खाया जा सकता है, ठीक है ना। और इधर क्या है, इधर कुछ नहीं है, आगे ये ख़त्म हो जाता है। तो भाई ये था बाग़ परिंदेगान, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अलग अलग कंट्री के और अलग अलग नस्ल के परिंदे आप लोगों को पसंद आए होंगे। आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं,
फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। लाइक शेयर ज़रूर करें, और जो लोग नए आ रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें।